गोल्डी है। गोल्डी? कौन गोल्डी? मैं किसी गोल्डी को नहीं जानती। दरअसल मैडम मैं एक्चुअली गोवा जा रहा था और रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? क्या चाहते हैं आप मुझसे? पनाह चाहिए प्लीज। आज रात के लिए मुझे आपके घर में पनाह दे दीजिए, कल सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। क्या पनाह चाहते हैं आप मेरे घर में? कमाल है आपकी। मान ना मान आप मेरे मेहमान। देखिए आप यहाँ से चली जाइए, प्लीज लीव फ्रॉम हियर। नहीं नहीं आप मुझे गलत समझ रही हैं मैडम। देखिए मैं एक शरीफ इंसान हूँ, आपको मुझसे कोई खतरा नहीं है। प्लीज आप मिस्टर पाटिल को बुला दीजिए, पाटिल साहब से मैं बात करता हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। एक मिनट। कौन पाटिल साहब? मैं किसी पाटिल वाटिल को नहीं जानती। इनफैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये मिस्टर सिंघानिया का रेसिडेंस है। ओके जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। मैडम एक मिनट। आप मुझे अंदर आने मत दीजिए, ठीक है? लेकिन एक फोन तो करने दीजिए। एक्चुअली मेरे पास मोबाइल है लेकिन उसकी बैटरी डाउन है। मैं घर फोन करके बता देता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। यू नो माई फैमिली विल बी वरीड, उन्हें चिंता हो रही होगी। प्लीज देखिए मेरा फोन डेड है। ओके मैडम एक मिनट प्लीज सुनिए तो सही। मैडम नाइफ कहाँ गई? मैंने नाइफ यहीं पे रखी थी। स्पाइसी मैंने नाइफ यहीं पे रखी थी ना। नेवर माइंड। पता है अभी कौन आया था? कुछ चुपचाप सा इंसान था, कह रहा था मैम प्लीज मुझे अंदर ले लो ना। अरे स्पाइसी वो तो मेरे पीछे पड़ गया था। आई टेल यू स्पाइसी, आजकल ये दुनिया ना बड़ी खराब होती जा रही है। दुनिया में किसी पे भरोसा करना ही पाप है। पता है स्पाइसी, इंसान को खुद की हिफाजत खुद ही करनी चाहिए। लगता है स्पाइसी वही होगा। मैं भी आती हूँ। कौन आया है ये फिर? अरे आप फिर आ गए? मैंने कहा था ना आपको, चले जाइए यहाँ से। मैडम आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आपको हिंदी समझ में नहीं आती? आती है मैडम, बहुत अच्छे से आती है। फिलहाल आप मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए मैडम। यहाँ बाहर बहुत ठंड है, सुबह तक मेरी कुल्फी जम जाएगी मैडम। प्लीज देखिए आप मेरी मदद कीजिए मैडम। देखिए अगर इस ठंडी में मेरी मौत हो गई ना तो उसका जिम्मा आपके सर आएगा। देखिए अगर अब आप यहाँ से शराफत से नहीं गए ना तो मुझे मजबूरन अपने हस्बैंड को बुलाना पड़ेगा। इसका मतलब घर में और भी कोई है? थैंक गॉड। मैडम प्लीज आप अपने हस्बैंड को बुला लीजिए, मैं एक बार उनसे बात करूंगा, वो मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। प्लीज मैडम। नहीं मैं अभी उन्हें नहीं बुला सकती, वो सो रहे हैं। देखिए मैडम सोते हुए आदमी को उठाया भी तो जा सकता है, आप प्लीज उन्हें मेरी प्रॉब्लम बताइए तो सही। मैंने कहा ना वो सो रहे और वो अभी अभी गए हैं सोने के लिए, मैं उनको नहीं डिस्टर्ब करूंगी। वैसे मैडम आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके पति थोड़े से अजीब है? आई मीन इस वक्त सोता है कोई? मेरे हस्बैंड 4 बजे सोए या 6 बजे सोए, आपको उसे क्या लेना देना? आप जाइए यहाँ से, जाइए अभी यहाँ से। अब I'm sorry मैडम, but please मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए, मुझे एक बार आपके पति से बात करने दीजिए, बाद में मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। प्लीज मैडम एक बार। देखिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। हाँ आपको जो बात करनी है, जितनी बात करनी है इस दरवाजे के साथ कीजिए, और जब फिजूल की बातें करके आपका जी भर जाए ना तो जस्ट कह रहा हूँ। ओके मैडम प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। मैडम हेलो मैडम प्लीज।
अब जाने का क्या लेंगे? आपके हस्बैंड। मेरे हस्बैंड? जी हाँ, आपके हस्बैंड जाग रहे हैं। मैंने अभी बाहर से देखा, वो ऊपर गैलरी में खड़े हैं। आप अपने ऊपर, ये कैसे हो सकता है? चले जाइए यहाँ से। क्या हुआ? ऊपर ऊपर कोई है? हाँ, आपके पति हैं। नहीं, ऊपर कोई है। आइए देखते हैं। ऊपर तो आपके हस्बैंड होंगे, आप अपने हस्बैंड से इतना क्यों डरती हैं? ऊपर मेरे हस्बैंड नहीं है, कोई और ही है। कमाल करती हैं आप मैडम। कभी आप कहती हैं ऊपर आपके हस्बैंड सो रहे हैं, कभी आप कहती हैं ऊपर नहीं है। आपके लाइफ में इतना कंफ्यूजन क्यों है? अगर आपके हस्बैंड ऊपर सो नहीं रहे तो फिर वो कहाँ है? वो मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरी तो शादी ही नहीं हुई अब तक। मतलब आपने मुझसे झूठ कहा था? हाँ, मैंने आपको झूठ कहा था, बस। क्यों? आपने मुझसे झूठ क्यों कहा था मैडम? देखिए, इस वक्त मेरे घर में कोई अजनबी है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द हमें उसे पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ये बातें हम बाद में कर सकते हैं, प्लीज आप मेरी मदद करेंगे? जरूर करूंगा। भले आपने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया हो, लेकिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। चलिए मैडम, देखते हैं कौन बहादुर आपके कमरे में घुसा है। वैसे मैडम, आप हैं बहुत मतलबी। जब मैं मदद मांग रहा था इतनी देर से, तो मुझे तो की नहीं, और अब देखो कितने डरे हुए। साने जी, यहां पर तो कोई भी नहीं है। नहीं, यहाँ पे कोई था। वो खिड़की से आया होगा। इस खिड़की से? हाँ। नहीं नहीं, इस खिड़की से कोई नहीं आ सकता। आप देखिए ना, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मैं कह रही हूँ, मैं यकीन के साथ कह रही हूँ, मैंने हर सुनी थी। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? एक झूठ तो आपने बाहर बोला था कि आपके पति ऊपर सो रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। चलिए आइए। देखिए मिस्टर, मैं आपको अब भी कह रही हूँ, आई एम श्योर इस घर में हम दोनों के अलावा और कोई है। आप कभी हार अपनी मानती हैं कि नहीं? हमने चारों तरफ देख लिया, पूरा कमरा छान, हमारे अलावा इस घर में और कोई नहीं है मैडम। ये आपका वहम। वहम? मेरा वहम? What do you mean by वहम? तुमको क्या मैं पागल नजर आती हूँ? नहीं मैडम, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। नहीं, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मेरे वहम का क्या मतलब? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? अब मैं वहम ना कहूँ तो क्या कहूँ? जब कमरे में कोई नहीं है, इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई नहीं, और आप कह रही हैं कि देखिए मैडम, मेरे ख्याल से आपको रेस्ट करना चाहिए। यू प्लीज रेस्ट, यू फील बेटर। आप रिलैक्स कीजिए प्लीज। रेस्ट की जरूरत? और मुझे? अच्छा मिस्टर, अब आप मुझे सिखाएंगे कि मेरे घर में मुझे क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ओके। मुझे रेस्ट की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर रेस्ट की जरूरत है तो वो आपको है। आई थिंक यू नीड रेस्ट, नॉट आई। और मुझे कोई वहम वहम नहीं हुआ है। आई एम श्योर इस घर में कोई है।
दरअसल मैडम आपके और मेरे अलावा इस घर में और कोई नहीं। मैं बहन ही नहीं हूँ, ओके? मुझे हर सुनाई दे रही है। I'm telling you, इस घर में कोई है। हम दोनों के अलावा इस घर में कोई तीसरा इंसान है। ऊपर जो आवाज हुई थी वो आपके बालकनी में मैंने एक पत्थर फेंक दिया। पत्थर आपने फेंका था? वो क्या है ना मैडम, आपने कहा था कि ऊपर आपके पति सो रहे, तो मैंने सोचा मैं पत्थर फेंकूंगा उस आवाज से शायद आपके पति जाग जाए, तो यू नो मैं उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता और शायद वो मेरी मदद कर देते, इसीलिए बाकी कुछ नहीं। एक मिनट के लिए भी यहाँ पे खड़े मत रहना। आउट, गेट आउट ऑफ द हाउस, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाइए। अब देखिए मैडम, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, आप खामखा मुझसे डर रही हैं? मुझे कोई बकवास नहीं सुनी तुम्हारी, शरीफ आदमी झूठ नहीं बोलते। गेट आउट ऑफ द हाउस। मैं मानता हूँ मैडम, मैं मानता हूँ मैंने आपसे झूठ बोला, इस घर के अंदर आने के लिए मैंने झूठ कहा, लेकिन उससे मैं गुंडा या बदमाश तो नहीं हो जाता। मैडम देखिए मेरी तरफ, क्या मैं आपको गुंडा बदमाश लगता हूँ? मैं एक शरीफ आदमी हूँ मैडम, मैं आपको किसी तरह की हानि नहीं पहुँचाऊंगा। मेरी गाड़ी बाहर खराब हो गई इसलिए मैं आपकी हेल्प चाहता था, मैं रात भर यहाँ बैठा रहूंगा, सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। मैडम प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो तुम हॉल में एक कोने में बैठे रहोगे? मैं यहीं बैठा रहा हूँ। यहाँ से हिलोगे नहीं? ओके मैम। श्योर? ओके मैम, ओके मैं यहीं बैठा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हिलना नहीं, हिलना नहीं यहाँ से। थैंक यू सो मच, मैं आपको बता नहीं सकता आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। घर में कॉफी तो होगी ना? क्या कॉफी? हाँ कॉफी, जो गरम दूध और शक्कर में मिलाकर पीते हैं वो। हाँ है तो? एक्चुअली मैडम बाहर ठंड बहुत ज्यादा है, अगर एक कॉफी मिल जाती तो। ठीक है। और मैडम कॉफी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। तू क्यों जगा है? तू तो सो जा, बहुत लकी है ना तू। वैसे भी रात भर तो तू जगा रहता है, कम से कम दिन भर में तो सो जा। नहीं तो देख मुझे क्या करना पड़ रहा है, अनजान पागल के लिए मुझे कॉफी बनानी पड़ रही है। ना जाना कहाँ, तू मेरा मेहमान। उस चुप्पी को तो मैं पूछना ही भूल गई कि वो कॉफी में शक्कर कितनी लेगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप कॉफी में शक्कर कितनी लेंगे? एक चम्मच या दो चम्मच? ये बोल क्यों नहीं रहा? पूछ क्या थी? एक्सक्यूज मी, हेलो, गए? लगता है गया। वेरी गुड, वैसे भी मुझे वो थोड़ा पागल लग रहा था। अच्छा, आप सभी को सावधान किया जाता है, ये दो इंसान जो अपने आप को पति और पत्नी बताते हैं, वे लोगों के घर में घुसकर उनका खून कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 5 खून को अंजाम दे दिया है। किसी भी अजनबी को अपने घर में दाखिल ना होने दें। देखा मैंने कहा था ना मैम, छोटी छोटी सी बात पर भी डर जाती है। ये आपके साथ कौन है? I'm sorry, मैं बताना भूल गया, ये मेरी बीवी है महक, और महक का इतनी देर में मैंने तो इनका नाम ही नहीं पूछा। मैम कहाँ खो गई आप? मैम मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। सानिया, मेरा नाम सानिया। वो मेरी कॉफी बन गई? नहीं, वो मैं एक्चुअली कॉफी तैयार करने ही वाली थी, फिर मैंने सोचा आपको पूछूं कि शक्कर कितनी लेंगे आप। जब मैं बाहर आई आप थे ही नहीं। आप दोनों बैठिए ना, बैठिए ना आप, आओ। दी, क्या बात है? ये मैं सोच रहा था आप थोड़ी सी टीवी देख लूं, यू नो हम शहर से इतना दूर है, पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। नहीं नहीं, टीवी तो वैसे भी चल ही नहीं रही है, मैंने टीवी देखा है ना, बस एक ही न्यूज़ है, एक कपल है शादीशुदा, वो
पागलखाने से भागे हैं और जिसके भी घर में जाते हैं उसको खून कर देते हैं। हमें सानी जी, आप तो हमारी तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे आपको लग रहा हो वो तो पागल हम ही। अब दोनों मेरे घर से बाहर चलिए अभी प्लीज। अरे सानिया जी, आप तो वाकई हमें पागल समझने लगी। देखिए अब पास मत आइए प्लीज। हाँ सानिया जी बोली ठीक कह रही हैं, क्या वाकई हम आपको पागल लगते हैं? अब अगर आप शराफत से नहीं जाएंगे तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। देखिए सानिया जी, अगर पुलिस को ही फोन करना है तो मैं खुद फोन कर देता हूँ पुलिस को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर पुलिस यहाँ आ जाए तो। क्यों? हाँ सानिया जी, आप बेवजह हम पे शक कर रही हैं। हम इज्जतदार लोग हैं और हमारी खुद की प्रेस है। हम दोनों तो बस हनीमून मनाने गोवा जा रहे थे और रास्ते में हमारी कार खराब हो गई, इसलिए हमें आपके घर आना पड़ा। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप हमारी प्रेस में कॉल करके हमारी इंक्वायरी जान सकती हैं। और अगर फिर भी आपको विश्वास नहीं है तो मैं पुलिस को फोन करूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पर ठहर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ कि आपको हम पर विश्वास हो गया, अगर पुलिस से यहाँ आती तो फालतू के सवाल पूछते। अरे बाप, आपने बताया नहीं आपके घर पे कुत्ता है? देखिए सनी जी, मुझे कुत्तों से सख्त नफरत है, प्लीज इसे हमारे पास मत आने दीजिएगा। जब भी कुत्तों को देखता हूँ ना ऐसे लगता है उनको जान से मार दो। सनी जी, आपके घर कोई सरदर्द की दवाई होगी? एक्चुअली मेरा सर थोड़ा सा भारी ही लग रहा है। सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं दवा दूँ? नहीं मैं ठीक हूँ। एक सिर्फ टैबलेट मिल जाती तो आपके घर होगी? मुझे लगता है हमें रात यहीं गुजारनी पड़ेगी महक। हाँ लेकिन सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत। थैंक यू जी। पानी मिलेगा मुझे एक ग्लास? हाँ है लाती। ये औरत कुछ स्ट्रेंज नहीं लगी तुम्हें? जो इस तलख हकीकत को ना माने वो नादान है, ये इंसान फरिश्ता भी है और यही शैतान है। जिन लोगों के शौक जरायम उनके लिए कानून है कायम, चाहे जितना भी हो शातिर मुजरिम तो मुजरिम है आखिर। एक दूजे के आगे पीछे चलते रहे सदा, जुर्म और सजा